नमस्कार खेडूत मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मौलिक और स्वागत करता हूं आपका हमारी एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। तो खेडूत मित्रों, तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के बाजू में आने वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो खेडूत मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप स्वाद का पटेला और यूपीएल का आयरिस का युद्ध सोयाबीन और मूंगफली में आप कैसे कर सकते हो। खेडूत भाइयों, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि आयरिस और पटेला दोनों एक ही दवाई है, दोनों में सिर्फ आपको कंपनी और पैकिंग का ही फर्क देखने को मिलता है और आपको दोनों में टेक्निकल भी एक ही देखने को मिलता है। दोनों में आपको सोडियम एसीफिरोफिन 16.5% मिलता है और क्लोडिनोकोक प्रोपागाइल 8% इसी फॉर्म में आपको मिलता है। आयरिस और पटेला आप मूंगफली और सोयाबीन की फसल में, आप फसल 15 से 25 दिन की हो तब स्प्रे कर सकते हो। मित्रों, फसल 15 दिन से छोटी हो तो आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। और कौन कौन से सकड़ी पत्ती खरपतवार को ये कंट्रोल कर पाता है तो ये सावा घास, चिंजारी, बरूपारा घास, मकड़ा घास, बड्डा वरना, सुनहरी घास, घोड़ा घास को ये अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। और कौन कौन से सकड़ी पत्ती खरपतवार को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है तो ये वरना, वड़ी दूधी, डोंगली पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और कौन कौन से टेढ़ी पत्ती खरपतवार को ये कंट्रोल कर पाता है तो ये खुल किया, गाजर घास, छोटी दूधी, आधा सीसी, जंगली चोलाई, कंजरू, कंजरू मेहंदी घास, पत्थर सट्टा, हजरदाना, छोटा हल्कुसा, सफेद मूंगा, रेशम काटा, बुचबुचा, हलला, जंगली चूड़ को ये कंट्रोल नहीं पड़ पाता है। और अभी हमने जितने भी टेढ़ी पत्ती खरपतवार बताए वो 3 से 4 पत्ती के स्टेज में ही होने चाहिए तो ये दवा आपको अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगी। डोज की बात करें तो 400 ml एक एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। और एक ध्यान जरूर रखना है कि आप जो स्प्रे कर रहे हो तब मिट्टी में नमी जरूरी है और स्प्रे के बाद फसल थोड़ी पीली भी दिखाई दे सकती है, पर आपको घबराना नहीं है। दवाई का रिजल्ट जैसे ही कम होता जाएगा तो आपको फसल अच्छी दिखने लगेगी। तो यही था इस वीडियो में, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।